वेलकम बैक। तो भाई सुनो, मोहम्मद सिराज ने विराट कोहली के पैर छूकर दिया दिल जीतने वाला बयान। अच्छा वाह, चलो देखते हैं। तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले, अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। मोहम्मद सिराज ने विराट कोहली के लिए किया कुछ ऐसा जिसने करोड़ों देशवासियों का दिल जीत लिया। जी हां दोस्तों, ट्रॉफी सेलिब्रेशन के बाद सिराज ने जाकर कोहली के पैर छुए जिसको देखकर सभी हैरान रह गए। वहीं फिर खुद सिराज ने इसका खुलासा किया और बताया कि क्यों उन्होंने विराट कोहली के पैर छुए। जी हाँ दोस्तों, आपको बताएंगे सिराज ने क्या कुछ कहा, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और अगर आप भी मोहम्मद सिराज और विराट कोहली के फैन हो तो दिल से इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। दोस्तों, एशिया कप का फाइनल तो भारत ने जीता लेकिन मोहम्मद सिराज ने सभी के दिल जीत लिए हैं। पहले उन्होंने अपनी गेंदबाजी से कमाल किया, फिर ग्राउंड स्टाफ को अपना मैन ऑफ द मैच का अवार्ड और प्राइज मनी देकर सभी का दिल जीत लिया। वहीं फिर ट्रॉफी सेलिब्रेशन के बाद सबने कुछ ऐसा देखा जिसको देखकर सभी हैरान रह गए। सिराज ने इंटरव्यू में कहा था, एशिया कप का टूर्नामेंट पूरा हुआ तो सिर्फ ग्राउंड स्टाफ की वजह से, उन्होंने बहुत मेहनत की इसलिए मैं अपना प्राइज मनी उन्हें देना चाहता हूं। हालांकि ये उतनी बड़ी अमाउंट नहीं है लेकिन मैं बस उनके सम्मान के लिए करना चाहता हूं। वहीं दोस्तों, ट्रॉफी सेलिब्रेशन के बाद मोहम्मद सिराज काफी ज्यादा भावुक हो गए थे। वो सीधे विराट के पास जाकर उनके पैर छूकर उन्हें गले लगाते हुए दिखाई दिए। इस दृश्य को देखकर तो सभी भारतीय खिलाड़ी काफी हैरान दिखे। वहीं जब मोहम्मद सिराज से इस बारे में पूछा गया तो इसका खुलासा किया और उन्होंने बताया कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। सिराज ने कहा, आज का दिन मेरे लिए बहुत ही स्पेशल दिन है, ये मेरे करियर का सबसे बेस्ट दिन है और आज मैंने सबसे बढ़िया गेंदबाजी की और मैं आज मेरे पापा को बहुत मिस कर रहा हूँ। उन्होंने मुझे क्रिकेटर बनाने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत की थी लेकिन आज जब मैं इस मुकाम पर पहुँच चुका हूँ तो वो आज मेरे साथ नहीं है, बस इसी बात का दुख है। लेकिन मुझे पता है वो ऊपर से मुझे देखते होंगे और काफी खुश होंगे। आज मेरी अम्मी मैच देखने आई थी और उनके सामने ऐसा प्रदर्शन करके मुझे काफी अच्छा लगा। इसके बाद सिराज ने विराट पर बात करते हुए कहा, विराट भाई मेरे बड़े भाई के समान है और उनके बारे में क्या ही बोलूं? आज मैं जो कुछ भी हूँ मेरे पिता और विराट भाई की वजह से हूँ। मेरे पिता ने तो मेरे लिए काफी मेहनत की थी लेकिन विराट भाई ने मुझे जो सपोर्ट किया वो मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। जब मैं मुश्किल समय से गुजर रहा था और कोई मुझे सपोर्ट नहीं कर रहा था तब विराट भाई थे जिन्होंने मुझे बार बार बैक किया और मुझ पर विश्वास जताया। आरसीबी की शुरुआती सीजन में जब मेरा प्रदर्शन खराब था सब मुझे टीम से बाहर निकालने के लिए कह रहे थे तब विराट भाई थे जो मेरे लिए खड़े थे, इसलिए उनका यह एहसान मैं कभी नहीं चुका पाऊंगा। आज मैं जिस भी मुकाम पर पहुंचा हूं उसमें विराट भाई का बहुत बड़ा हाथ है, इसलिए मैं उन्हें धन्यवाद कहकर उनका आशीर्वाद देना चाहता था। मेरे पिता आज इस दुनिया में नहीं है लेकिन विराट भाई मेरे बड़े भाई जैसे हैं, इसलिए मैंने जाकर उनके पैर छुए। दोस्तों, सिराज के कोहली पर इस बयान ने सभी का दिल छू लिया है। ये दिखाता है कि सिराज और विराट के बीच कितना स्ट्रांग बॉन्ड है, कितना बड़ा भाईचारा है। और सिराज ने जो कुछ भी कहा वो एकदम बिल्कुल सटीक सही था क्योंकि जब सभी सिराज के अगेंस्ट थे तो सिर्फ विराट कोहली थे जिन्होंने उन्हें सपोर्ट किया, चाहे वो आरसीबी हो या इंडियन टीम। और सिराज की यहाँ पर तारीफ करना इसलिए भी बनता है क्योंकि काफी समय से वो बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी करते आ रहे हैं और भारत की जीत में काफी भूमिका भी निभा रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि वो वर्ल्ड कप में ऐसा ही प्रदर्शन करके भारत को मैच जिताएंगे और वर्ल्ड कप भी। दोस्तों, आपकी इस पर क्या राय है कॉमेंट करके बताइएगा। सीरियसली बताना कि ये ऊंची जंप कोई कैमरा ट्रिक से हुई है कि वाकई में इतनी ऊंची जंप थी, क्योंकि अगर आप देखो उनका जो पैर है शू वाला वो जो बाकी लोग खड़े हुए उनके एटलीस्ट कमर के आसपास तक वो जा रहा है, तो इतनी ऊंची जंप कैसे मारी मैं ना समझ के, मतलब दैट इज एक्स्ट्रा एक्साइटमेंट और वो जो स्पेशल एनर्जी आ जाती है खुशी में, तो इतनी ऊंची जंप मार सकता है कोई, दैट इज अनबिलीवेबल। पर बैक टू द थिंग, बड़ा ही इमोशनल कर दिया था इस वीडियो ने, स्पेशली जब पता चला कि फादर जो है उन्होंने इतनी बहुत मेहनत की होगी, पता नहीं कितने सैक्रिफाइसेस किए होंगे क्योंकि लग रहा है कि ये मिडिल क्लास टाइप फैमिली से आए हुए हैं, तो एक क्रिकेटर बनाने के लिए उनका ड्रीम होगा कि मेरा बेटा अगर है जो क्रिकेटर बने उसकी प्रैक्टिस और उसके लिए सब जो करना पड़ता होगा उसके लिए बहुत मेहनत की होगी फादर ने। और सुन के बहुत दुख होता है कि खासकर, और कई बार ऐसा सुना है कि बच्चों के लिए पेरेंट्स इतनी मेहनत करते हैं, जब वो बच्चा जो है उस ऊंचाई तक पहुंचा होता है तो वो पेरेंट नहीं होता उसको देखने के लिए, तो बच्चा जो है वो उस टाइम जो है बहुत उसको फील होता है कि हाय मेरा फादर या मेरी मदर, उन्होंने इतना किया था और आज मैं उनकी मेहनत से यहाँ तक पहुँचाऊँ पर वो मेरे पास नहीं है। तो वही उनके साथ भी हुआ और
उस टाइम उनको जो है विराट कोहली को देख के जो उसने बहुत हेल्प किया. देखो अब इनसाइड लोगों की जो एक दूसरे के साथ होता है वो आम पब्लिक को नहीं पता चलता जब तक ये प्लेयर्स नहीं शेयर करते. तो इन्होंने जब शेयर किया तो पता चला दिस वेरी ब्यूटिफुल साइड ऑफ विराट कोहली कि भाई जब देखा कि कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है इनका तो इनके साथ खड़े हुए, उनको मेक श्योर किया कि कोशिश की गई थी कि टीम से निकाल दें तो विराट कोहली वॉज देयर कि नई टीम से नहीं निकालना. अब कोई विराट कोहली इज़ वेरी फेमस प्लेयर, तो एक इतना ग्रेट प्लेयर जब आपको सपोर्ट कर रहा है और आप कुछ भी नहीं हो और सब आपके अगेंस्ट हैं, तो उन्होंने ही हेल्प किया जिसकी वजह से वो आज जो है ये गेम खेल पाए और उन्होंने कर दिखाया कि मैं वाकई वर्थ इट हूँ. आप मुझे निकाल रहे थे, ये देखो ये मेरी वर्थ है. और कमाल का गेम खेल के उन्होंने वो सब जो निकालने की कोशिश करेंगे उनके मुंह पे करारा तमाचा मारा है. एंड ग्रेटफुल थे वो कि भाई विराट कोहली ने मेरे उस टाइम हेल्प किया, अगर नहीं की होती तो शायद मुझे टीम से निकाल दिया होगा, तो मेरे को ये मौका भी ना मिलता आज जो मुझे मिला है. देखिए हमें तो एक कनेक्शन नज़र आ रहा था जब हमने सिर्फ फोटोज देखी, हमें कुछ पता नहीं था, कुछ नहीं पता था सिराज और विराट कोहली में कोई कनेक्शन, हमें कुछ नहीं कुछ नहीं पता था. जैसे प्लेयर सिर्फ हमने फोटो देखी, हमने फोटो देखते एक चीज नोटिस की थी, हमने कहा भी था कि विराट कोहली को भी हो रहा है, ओ माय गॉड ये हो गया. और हर फोटो में बहुत खुश थे कि अमेज थे और खुश थे सबसे ज्यादा एक्साइटेड ये किया है. एक मतलब सिराज को एक तो लग रहा था पता नहीं क्या चल रहा होगा, साथ में सेम विराट कोहली को, बिल्कुल दोनों में जो एक नजर आ रहा था वो लग रहा था ये दोनों के दोनों में देयर इज सम कनेक्शन है, कुछ है. एग्जैक्टली किसी ने बोला नहीं था, ओनली बलूंगे द पिक्चर हमने बोला था जब फर्स्ट फोटो देखी थी, क्योंकि दोनों एक्साइटेड थे और खुश, वैसे ही रिएक्शन विराट कोहली को भी इतनी अपना जैसे थी, ओ माय गॉड हमने कुछ कर दिया, सिराज को भी, तो देयर इज समथिंग गोइंग ऑन. और बहुत अच्छा बात है कि अब बैकग्राउंड पता चला. एंड देखिए वही है कि किसी को दिखा टैलेंट, उसको लगा कि टैलेंट है, मौका मिलना चाहिए. काफी बैकग्राउंड से बहुत लोग आते हैं जिनमें शायद टैलेंट नहीं होता, फिर भी उनको मौके जान पहचान हो जाती होगी, किसी की जान पहचान हो गई, कुछ होगी तो कहीं को चांस मिलता है जान पहचान की वजह से. ठीक है सर्वाइव होते हैं नहीं होते, मगर वहां तक आने के लिए लोगों को जान पहचान चाहिए होती है. यहाँ पे उनको नजर आया अपने एबिलिटी पे, यहाँ तक जो इंसान आया है उसको बहुत जरूरी है. कोई पता नहीं पॉलिटिक्स खेली जा रही हो निकालने के लिए और उनको दिखाओ कि ये रॉन्ग है, गलत काम हो रहा है, कि भैया प्लेयर में दम है, सिराज में दम दिखा कि वाकई है, पर उसके पीछे पड़े हो कोई, कुछ भी हो सकता है, हु नोज राइट. तो उन्होंने मतलब टैलेंट, इतना कुछ सुनते हैं पॉलिटिक्स के बारे में, ये हो रहा है वो हो रहा है, मौका नहीं देते, बिठाए रखेंगे, तो उसी टाइप से इनके साथ भी हो रहा होगा. काफी था एक मिस्टर रैना भी थे जिनको निकाल दिया था, तो उसके तो बहुत कुछ हुआ लाइफ में. तो उनको दिखा कि भैया मेरे साथ जब इतना बुरा हो रहा था एक बंदा जो था वो मेरे साथ सपोर्ट में खड़ा था, तो वही याद आया. और फादर भी नहीं तो दिखा कि बड़ा भाई, तो ऑब्वियसली बड़ा भाई की तरह उन्होंने एक्ट किया है कि भाई ऐसी सिचुएशन में हेल्प की, तो वो पैर छुए, बहुत ही सुंदर जेस्चर था. और इससे पता चल रहा है कि वो दिल के बहुत अच्छे हैं, सिराज जो हैं दिल के अच्छे भी हैं, कि जो अमाउंट मिला वो उनको अब दे दिया वहाँ के जो वर्कर्स हैं. उसने कहा कि ये पूरा पॉसिबल है इन्हीं की वजह से, और उन्होंने ये भी कहा कि अमाउंट बड़ा नहीं है भैया, $5,000 कुछ खास नहीं है. ये प्लेयर्स तो जैसे आप भी बता रहे हो कि कितना करोड़ों करोड़ कमाते हैं. अब मैं सिराज की बात नहीं कर रही हूँ, पर बाकी प्लेयर्स जैसे आप बता रहे थे विराट कोहली तो एक इंस्टाग्राम पोस्ट का ही 1 करोड़ ले लेता है, तो वो है, तो उनके लिए स्मॉल अमाउंट है, पर देने का जेस्चर उस टाइम जो है वो बहुत सुंदर जेस्चर था, तो बहुत ही अच्छा लगा देख के. और ये भी पता चल गया दोनों के कनेक्शन है क्या, पीछे की स्टोरी. तो चलो चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द. टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय. तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए.